गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पावन पर्व मेरी तरफ से झांसी जनपद वासियों को और झांसी मंडल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जनपद झांसी के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आज 8 साल हो गए हैं न्यूज बीके चैनल की जो है स्थापना दिवस है, उसके लिए भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका चैनल जो है आगे बढ़े और हमेशा सच्ची खबरें दिखाते हैं। सभी झांसी के नागरिकों को और देशवासियों को 26 जनवरी के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों के सामने हमारे देश के हित सर्वप्रथम होना चाहिए और देश के हित के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहना चाहिए और अपने देशवासियों की अपनी मुसीबत में जितना हो सकता है दूसरे को मदद करके एक दूसरे की ज़िंदगी को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। झांसी में वेदांत फोटोग्राफी ग्रुप ऑफ एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां झांसी रानी के जन्मोत्सव में सहभागिता करने वाले सभी फोटोग्राफर्स का सम्मान किया गया। बुधवार को झांसी के एक स्थानीय गार्डन में वेदांत फोटोग्राफी ग्रुप ऑफ एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां झांसी की रानी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले सभी फोटोग्राफर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जज नरेंद्र वैद्य, प्रभारी पुलिस कंट्रोल रूम लक्ष्मी रमन त्रिपाठी, क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी सुरेश बोनकर, बीआई रिजवी व देवराज चतुर्वेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों द्वारा सभी फोटोग्राफर्स का फूल माला पहनाकर व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राज बच्चन ने किया। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि झांसी के सारे फोटोग्राफरों ने एक दिन सहयोग किया था। रानी झांसी के जन्मोत्सव पर सारे फोटोग्राफर ने फोटोग्राफी निःशुल्क की थी और प्रिंट भी दिया था। जो बच्ची रानी झांसी की ड्रेस में पहनी थी तो उसका ही आज उन्हीं लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने रानी झांसी की कार्यक्रम में सहयोग भाग लिया था। मूल रूप से जो आज का जो कार्यक्रम था उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो भी फोटोग्राफर्स हैं इस क्षेत्र के उनको किस प्रकार संगठित किया जाए, सबसे मूल उद्देश्य ये। उसके साथ उनके समक्ष जो चुनौतियाँ हैं आजकल के बाजार के हिसाब से, उनको तकनीकी ज्ञान कितना सपोर्ट किया जाए, वो तभी संभव है जब एक सब एक संस्था के रूप में आए, सब एक साथ से जुड़े, एक दूसरे की समस्याएं शेयर करें। तो वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो एक एनजीओ है और इसका काफ़ी बड़ा इसने सराहनीय कार्य किया कि सबको इकट्ठा किया। फोटोग्राफर से रिलेटेड काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं, तो उन पर एक प्रयास है ये। मैं समझता हूँ कि आगे प्रयास जारी रहेगा कि उन चुनौतियों का जो आज समक्ष आई है उनको कैसे हम उसका निराकरण, उसका समाधान किस प्रकार से हम दें। झांसी से जीतू के साथ शिवांगनी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर मऊरानीपुर झांसी